तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं बनारस का तुलसी मानस मंदिर। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसके साथ इससे पूरे डिटेल से हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बस वीडियो को एंड तक देखेंगे, और हमारे चैनल में, ये वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मंदिर आप लोग एंट्री करोगे, और आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़ा सा आप लोग को यहाँ पे गार्डन देखने को मिल रहा होगा। इसके साथ ही साथ मंदिर बीच में आपको देखने को मिलेगा, और बड़ा सा गेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर आपको देखने को मिल जा रहा है, वो आपको तीनों, यानी कि जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो में आपको बताया था त्रिदेव मंदिर और हनुमान मंदिर का, तो ये एक ही रूट में पड़ता है, तो आप लोगों को अलग रूट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम ही रूट में आपको सारा मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस मंदिर की खासियत के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि लोगों का कहना है कि पहले यह छोटा सा मंदिर हुआ करता था। सन 1964 में कोलकाता के एक व्यापारी सेठ रतन लाल सुरेख ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये पूरा मंदिर यहाँ पर संगमरमर का बना हुआ है। साथ ही साथ बगल में आपको गार्डन, झरना, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी तथा दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण की मंदिर भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कैसे आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। तो तुलसी मानस मंदिर जाने के लिए आप बनारसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच कर दुर्गाकुंड जाएंगे। स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्गाकुंड के पास मंदिर है। बनारस के भीड़ भाड़ भरे मोहल्ले से हटकर यह मंदिर शांति का प्रतीक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में जाने के बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पे इस रूट में आप लोग काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा मणि मंदिर के बारे में और दुर्गा माता के मंदिर के बारे में, और इसके साथ साथ इस मंदिर में आपको काफ़ी कुछ और भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। मंदिर में आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी टाइल्स यहाँ पे लगे हुए, मार्बल लगे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सब चौपाई लिखी हुई है। उसके साथ ही साथ जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे, तो काफ़ी सारी झांकियाँ आपको देखने को मिल जाएगी भगवान की, तो जो कि सारा कुछ दर्शाया गया है। तो आप लोग अगर बनारस आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाना, क्योंकि इस मंदिर में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप लोग एक ही टाइम पे इस सारे मंदिर को आप लोग विजिट कर सकते हो। तो पूरी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ अपने बनारस के ब्लॉग में। तो अगर आप हमारे चैनल में, ये वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बनारस घुमाने वाले हैं। तो बस हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे।